हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मॉर्निंग वीडियो है। हाँ, मैं पहले भूल गई आपको बोलना, आप कैसे हैं? सब कुछ सब खैरियत से है और अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मैं तो यही दुआ करती हूँ, आमीन। ऑफिस पार के बज रहे हैं 10:30 और मैं कर रही हूँ अपना नाश्ता। तो डेली का जो रूटीन है, तो थोड़ी साफ़ सफाई करने की तो बाकी है मेरी। मैंने थोड़ा घर का काम जो थोड़ा कर था वो कर लिया है। अभी यहाँ प्लेटफॉर्म साफ़ करना, क्लीन करना, इसको बाकी है। मैंने यहाँ पे अपने बर्तन जो है वो मैंने धो लिए हैं और अब मुझे भूख लगी है, तो नाश्ते का अब मैं यहाँ पे अपना नाश्ता कर रही हूँ। तो ये मैंने अपना नाश्ता रख दिया यहाँ पे। ये है मेरा नाश्ता जो मैं जामनगर से लेके आई थी। ये रही मैं चाय। और ये है गाठी। और इसके अंदर ये बिस्किट, ये कचौड़ी, और ये बिस्किट, ये नमकीन बिस्किट है। सब टूट गया है जैसे। ये भी बहुत अच्छे बिस्किट है, मकरून बिस्किट। मेरी मेहंदी का कलर एकदम निकल गया है। मैं बताऊंगी आपको, मैंने जब मेहंदी लगाई थी तब कैसे मेरे हाथ थे और कैसे दिख रहे थे। अभी मेहंदी का कलर एकदम निकल गया है। तो चलिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ और जामनगर के गाठी, तो जामनगर के ये बहुत अच्छे रहते हैं, जामनगर के गाठी। हमारे जो है फेवरेट है जामनगर के गाठी। जामनगर की चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी रहती है। एक वहाँ की साग पूड़ी और वहाँ का घुघरा और ये गाठिए, वहाँ पे लोग चटनियाँ बहुत अच्छी बनाते हैं। क्या मालूम किस तरह बनाते रहते हैं, बहुत टेस्टी रहती है वहाँ की चटनियाँ। हर चटनी, हर चीज़ का जो फ्लेवर रहता है, जो उभर के आता है, वो चटनी से ही रहता है। तो क्या मालूम किस तरह लोग वो चटनियाँ बना लेते होंगे, इतनी अच्छी चटनी किस तरह बनाते होंगे कि टेस्ट में फ़र्क पड़ जाता है हर चीज़ के अंदर। ये गाठी के साथ सांभर भी आता है।
अच्छा, अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ मैं।